बिजनेसमैन है उनको वहाँ पे फेलिसिटेट किया जा रहा है, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाना, क्या कहना चाहेंगे, कितना इम्पोर्टेंट ये अवार्ड है टू फेलिसिटेट बिजनेसमैन? मुझे लगता है ऑब्वियसली हर इंसान को अपने अपनी फील्ड में रेकग्निशन मिले, सराहा जाए, अवार्ड्स मिले, ये सबका ही सपना होता है। स्पेशली यंगस्टर्स के लिए मुझे लगता है ये प्लेटफॉर्म बहुत इम्पोर्टेंट है, जो नए नए बिजनेस मिल रहे हैं, नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं और कुछ ही समय में उन्होंने अचीवमेंट दिखाई है उनके लिए, उनके लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि एक इंस्पिरेशन, एक मोटिवेशन और एक यू नो अप्रिसिएशन है यंगस्टर्स के लिए जो लोग नया नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं। जैसे आपने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री इन्होंने कुछ 4-5 सालों से वोकल फॉर लोकल, हर इंसान को एंटरप्रेन्योरशिप मिले, हर वेदर इट इज़ अ यंगस्टर और फॉर दैट मैटर सीनियर सिटीजन्स, लड़का लड़की जो भी हो, हर कोई अपने मन चाहे बिजनेस को शुरुआत कर सके, नए कैपिटल के लिए। एंड आई थिंक ऑन द सेम लाइन्स resale.in इन्होंने काफ़ी इवेंट्स किए हैं जहाँ पर महाराष्ट्र के बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे शहरों से बिजनेस रिकग्निशन के लिए लोगों को प्लेटफॉर्म दिया है। तो आज मुंबई में हो रहा है ये अवार्ड और मैं खुश हूँ कि नॉट जस्ट महाराष्ट्र बट बिकॉज इट इज भारत बिजनेस अवार्ड्स 2023 पूरे भारतवर्ष से, स्पेशली मुंबई महाराष्ट्र से जो बिजनेस पीपल है, यूजली हम बिजनेस वूमन या बिजनेस मैन कहते हैं, बट वी हैव अ कोलैबोरेशन छोटे मोटे और बड़े सारे बिजनेस पर्सनैलिटीज को आज यहाँ पे रिकग्नाइज किया जाएगा और मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए, जानने के लिए इनकी स्टोरीज क्या है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल। राइट, ऑल्सो जैसे आपने कहा कि सारे बिजनेस मैं